हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 सिनोनिम सेट नंबर 19 है। एसएससी, एसटीटी, आईबीपीएस या सीडीएस या एनडीए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं और सभी वर्ड्स का हिंदी भी बतलाया जाएगा और आपको 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा ताकि आप सही आंसर बतला सकें। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट। ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रीव, कनेव, यूनाइट, कंस्पायर। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी यूनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। कंसोलिडेट यानी सत्ता कायम करना या अधिकार करना, कंट्रीव यानी उपाय करना, कनिव यानी आनाकानी करना, गलत करना, यूनाइट यानी सत्ता कायम करना, अधिकार करना, कंस्पायर यानी षड्यंत्र करना। बाउडी, क्रूड, वल्गर, प्राउड, एरोगेंट। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी वल्गर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। बॉडी यानी नीचे या असभ्य, क्रूड यानी कच्चा, वल्गर यानी नीचे या असभ्य, प्राउड यानी घमंड, एरोगेंट यानी जिद्दी, अहंकार या अज्ञानता। जीर, इंस्पायर, इंजॉय, इंकरेज, रेडिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, यानी रेडिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। जीर यानी खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, इंस्पायर यानी प्रेरणा देना या प्रेरित करना, इंजॉय यानी आनंद लेना, इंकरेज यानी उत्साहित करना, रेडिकल यानी खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। कोग्नोसेंट, ऑप्शन दिए गए हैं स्पेकुलेटर, टीचर, क्रिटिक, प्रीचर। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी क्रिटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं कोग्नोसेंट यानी आलोचना करना, स्पेकुलेटर यानी विचार करने वाला, टीचर यानी शिक्षक, क्रिटिक यानी आलोचना करने वाला, प्रीचर यानी उपदेश देने वाला। बफ, पॉलिश, इंसल्ट, इंजर, स्वीप। इसका राइट आंसर होगा यानी ए, पॉलिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। बफ यानी चमकना, पॉलिश यानी चमकना, इंसल्ट यानी अपमानित करना, इंजर यानी घायल करना, स्वीप यानी बहारना या झाड़ू देना। फैंसीफुल, ऑप्शन दिए अनरियल, फायरफुल, ग्लोरियस, इसेंट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अनरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं फैंसीफुल यानी अवास्तविक, अनरियल अवास्तविक या कल्पनायुक्त, फायरफुल यानी वफादार या विश्वासी, ग्लोरियस यानी गौरवपूर्ण, इसेंट्रिक यानी विचित्र। अवेरिशियस, एविडेंट, इनवियस, ग्रीडी, अनविलिंग। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ग्रीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीडी। और इन सभी वर्ड्स का हिंदी देखते हैं। अवेरिशियस यानी लालची, एविडेंट यानी प्रचुर मात्रा में, इनवियस यानी ईर्ष्यालु, ग्रीडी यानी लालची, अनविलिंग यानी अनिच्छुक बिना इच्छा के। यानी बिजर, हैप्पी, ग्रोटेस्क, रिफाइंड, वॉस्टरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर होगा यानी बी, यानी ग्रोटेस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। बिजर यानी विचित्र या अद्भुत, हैप्पी यानी खुश, ग्रोटेस्क यानी विचित्र या अद्भुत, रिफाइंड यानी सभ्य या शुद्ध, वॉस्ट्रस यानी शोरगुल। डेम्योर, इंटेंशनल, रिट्रीव, अनरिजर्व, ब्लंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 9 का राइट आंसर होगा बी, यानी रिट्रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। डेम्योर यानी शर्मिला, इंटेंशनल यानी इरादा से परिपूर्ण,
रेटरिंग यानी शर्मीला, अनरिजर्व यानी असुरक्षित, ब्लंट यानी भोथा या धार के लिए यानी भोथा, कौटव, रेस्पेक्ट, एल्यूमिनेट, प्रैक्टिस, ब्लॉक हेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी रेस्पेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं सभी वर्ड्स का। कौटव यानी आदर करना, सम्मान करना, रेस्पेक्ट यानी आदर करना, सम्मान करना, एल्यूमिनेट यानी प्रकाशित करना, प्रैक्टिस यानी अभ्यास या आदत, ब्लॉक हेड यानी जिद्दी या हट्टी, पेंचेंट। ऑप्शन दिए गए डिजायर, बायस, लाइकिंग, ट्रेनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी लाइकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं सभी वर्ड्स का। पेंचेंट यानी पसंद करना, डिजायर यानी इच्छा करना, बायस यानी पक्षपात, लाइकिंग यानी पसंद करना, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करना। आगे बढ़ते हैं। क्लेमेंसी, पेशेंस, मर्सी, रिलैक्स एटीट्यूड, पोलाइटनेस। इसका राइट आंसर होगा बी यानी मर्सी। क्लेमेंसी यानी कृपा का या दयालु का या दया का, पेशेंस यानी धैर्य, मर्सी यानी कृपा का या दया का, रिलैक्स एटीट्यूड यानी अच्छा विचार, पोलाइटनेस यानी विनम्रता, हार्डली, स्ट्रेंसली, स्कार्सली, मोस्टली, ऑडियसली। इसका राइट आंसर होगा बी स्कार्सली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं। हार्डली यानी नहीं के बराबर यानी मुश्किल से, स्ट्रेंसली यानी कठिनता से, जटिलता से, स्कार्सली यानी नहीं के बराबर मुश्किल से, मोस्टली यानी अधिकांशतः, ऑडियसली यानी परिश्रम से, कठिनाई पूर्वक, फैब्रिकेटेड, ऑपरेटेड, कंस्ट्रक्टेड, इंस्टॉल्ड, डिजाइंड। इसका राइट आंसर होगा डी यानी डिजाइंड। हिंदी देखते हैं। फैब्रिकेटेड यानी रूपरेखा, ऑपरेटेड यानी संचालन करना, कंस्ट्रक्टेड यानी निर्माण करना, इंस्टॉल्ड यानी प्रदर्शनी लाना या स्थापित करना, डिजाइंड यानी रूपरेखा। एबोरिजिनल, प्रिमिटिव, एंशियंट, अनओरिजिनल, इरेशनल। इसका राइट आंसर होगा ए यानी प्रिमिटिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी देखते हैं। अबओरिजिनल यानी आदिम, प्राचीन निवासी, प्रिमिटिव यानी आदिम या प्राचीन निवासी, एंशियंट यानी प्राचीन, अनओरिजिनल यानी अमौलिक, इरेशनल यानी अविवेकशील। कंप्राइजेज, इन्वॉल्व्स, इनकॉर्पोरेट्स, रेंस, कंसिस्ट ऑफ। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कंसिस्ट ऑफ। हिंदी देखते हैं। कंप्राइजेज यानी बना हुआ, इन्वॉल्व्स यानी शामिल होना, इनकॉर्पोरेट्स यानी संयुक्त करना, एक करना, रेंस यानी सुरक्षित बचा कर रखना, कंसिस्ट ऑफ यानी बना हुआ, रन, सक्सीडेड, रस्ट, कंप्लीटेड, स्कॉर्ड। इसका राइट आंसर होगा यानी सी कंप्लीटेड। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। रन यानी दौड़ना या पूरा करना, सक्सीडेड यानी सफलता पाना, रस्ट यानी भीड़ या जल्दी पहुंचना, कंप्लीटेड यानी दौड़ना या पूरा करना, स्कॉर्ड यानी गोल करना। प्रिज्यूम, थिंक, गेस, सपोज, बिलीव। इसका राइट आंसर होगा सी यानी सपोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्यूम यानी मान लेना, थिंक यानी सोचना, गेस यानी आकलन करना, सपोज यानी मान लेना, बिलीफ यानी मानना। विजिलेंट, स्मार्ट, वॉचफुल, एम्बिशियस, इंटेलिजेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी वॉचफुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजिलेंट यानी सतर्क या चौकन्ना, स्मार्ट यानी सुंदर या चुस्त, वॉचफुल यानी सतर्क या चौकन्ना,
एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, इंटेलिजेंट यानी तेज। वर्ड दिए गए हैं स्केल्ट। ऑप्शन दिए गए हैं टू स्प्रेड इन वाइडर एरिया, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, टू स्केल अप, टू पुट एन एंड टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी। हिंदी देखते हैं इन सभी वर्ड्स का। स्केल्ट यानी बढ़ाया चढ़ाया, टू स्प्रेड इन वाइडर एरिया यानी व्यापक क्षेत्र में फैलना, टू स्केल अप यानी बढ़ाया चढ़ाया, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी यानी तनाव या तीव्रता को कम करना, टू पुट एन एंड टू समाप्त करना। तो ये थे 20 सिनोनिम्स। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।